नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,399 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से 185 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो यहाँ पे है 43,800 से लेकर के 44,200। ये एक बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, इस लेवल पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। डेली चार्ट पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कई बार हमने यहाँ पे 44,200 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ जाइए कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बाइंग किया होगा वो लगभग इसी लेवल के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। मार्केट जैसे इसके नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा, इस लेवल के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा, एक छोटा सा प्रेशर यहाँ पे बन सकता है जो कि इसको लेके आ सकता है 44,000 और 43,800 के पास में। ये एक स्ट्रांग जोन है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे होप ट्रेड लिया होगा, कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उन लोगों ने इस लेवल के नीचे अपना एसएल लगाया होगा, जिन लोगों ने सेल किया होगा वो लोग इस लेवल के ऊपर अपना एसएल लगा के यहाँ पे बैठे होंगे और मार्केट वेट कर रहा है डायरेक्शन का कि किस साइड में मार्केट ब्रेक डाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे अभी इंतजार कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए, कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो जोन होगा, जो ये लो लगे हैं ना, दो तीन लो आपको ये दिख रहा है, ये लगभग एक ही पास तीनों लो लगे हैं, तो ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी, देखिए पिछले तीन बार बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास जा चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 44,200, ये भी लगभग 44,250, आज लगभग देखेंगे तो ये भी 44,250 तो इस लेवल के आसपास ये कंटिन्यू तीन बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। लेकिन अब अगर इसके नीचे ये होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो ये सारे लोग, जो लोग ये स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे आज बना के रखा है। अब यहाँ पे क्या किया, आज ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी ने रेंज के अंदर में ही ट्रेड किया है, तो ये रेंज कल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल, क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होकर हम थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, आधे घंटे 45 मिनट इस रेंज को, इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करने के बाद अगर हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो ये लेवल होगा, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये लेवल जो है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है तो ये नज़र बना के रखिएगा कि 500 से 700 पहला रेजिस्टेंस इसको 500-550 का मिलेगा और दूसरा रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस इसको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे ये होल्ड करने लगा, क्योंकि तीन बार इस लेवल को ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका है, अगर इसके नीचे होल्ड करने लगता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो बाइंग साइड के जो एसएल होंगे वो एसएल कटने स्टार्ट होंगे और बैंक निफ्टी तेजी से एक बार नीचे की साइड में जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो थोड़े से आराम से ट्रेड कीजिए, अपने रेंज आने दीजिए, अपना लेवल आने दीजिए, अपना जो भी सेटअप है सेटअप को बनने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।